प्रथम हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं, लंबे गहरे श्वास भरते हैं। हर श्वास के साथ ओंकार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान, लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, पूर्वक योग की साधना को आगे बढ़ाते हैं। और प्रणव ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के, तन्मय तद्रूप होकर के, तादात्म्य भाव से भगवान के साथ एकत्व में प्रतिष्ठित होकर के, एको वशी सर्वभूत अंतरात्म एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम यनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। एकत्वमनुपश्यत यत्र विश्वं भवत्येकमेव, एक ही ब्रह्म की ज्योति का विस्तार सब जीवों में और जगत में है। उस एक ब्रह्म ओंकार परमात्मा को ही सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर नित्य अविनाशी परम दयालु परम कृपालु परम पिता परम गुरु परम सखा परम माता जगन माता के रूप में स्वीकार करते हुए यदग्ने स्याम अहम त्वम त्वम माघा स्याहम स्युष्टि सत्याह इहाशिष। प्रभो मैं तू हो जाऊं और तू मुझ में पूरा उतर जाए, तेरे दिव्य ज्ञान से, तेरे दिव्य प्रेम से, तेरे दिव्य सामर्थ्य से, तेरे समस्त उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभावों से, तेरे दिव्य सुख शांति और दिव्य आनंद से मैं सदा युक्त रहूं। प्रभु इस भाव चेतना के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये प्राणायाम हमें उस प्रणव ओंकार ब्रह्म से जोड़ देता है और हम रोगों से और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर के, जीवन मुक्त होकर के, प्रभु की समस्त प्रकार की दिव्यताओं से युक्त रहते हैं। भस्त्रिका के बाद कपालभाति प्राणायाम, हर श्वास के साथ ओंकार ब्रह्म की आराधना, पूर्वक योग की साधना को आगे बढ़ाते। कपालभाति ऐसे रोज प्रतिदिन 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा, और जिनको अति विशेष लाभ पाना हो एक एक घंटा कर सकते हैं और अपने समस्त अस्तित्व का दिव्य रूपांतरण कर सकते हैं।
मैं बार बार संकेत करता हूँ, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एक्शंस का बैलेंस, एनर्जम कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, वात पित्त कफ का रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज सबका संतुलन, केमिकल्स और हार्मोन्स का संतुलन बैलेंस, सुप्त शक्तियों का जागरण और रीजनरेट भी कोशिकाओं का रीजनरेट होना पुनर्जीवन, संतुलन पुनर्जीवन दिव्य जागरण और फिर अंततः पूर्णता की प्राप्ति, सब अशुभ की समाप्ति। ये योग का क्रम है, ये योग की चरण है, योग के सोपान है, योग की सीढ़ियां, चरणबद्ध रूप से यह दिव्य रूपांतरण हमारे भीतर घटित होता है। योगाभ्यास कपालभाति के बाद अब बाह्य प्राणायाम कर लेंगे, कम से कम 3 बार से लेकर के 21 बार तक ये प्राणायाम किया जा सकता है। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक देते हैं और सहजता पूर्वक करते हैं। परम गुरु परमात्मा का ध्यान और उस गुरु सत्ता की और जो हमें लेकर के जाती उस समर्थ गुरु तत्व के चरणों में आश्रय, क्योंकि उस परम गुरु से उस आदि गुरु परमात्मा से हमें मिलाते हैं एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरु। और यही क्रम है जीवन के दिव्य आध्यात्मिक विकास का। श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोकते हैं, सहजता के साथ ये बाह्य प्राणायाम और उज्जायी प्राणायाम करते हुए फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, रुझाई प्राणायाम। पूरक करके कुंभक करना थोड़ी देर, फिर रेचक करना, mm-hmm.
अनुलोम विलोम। लय के साथ कर, निरंतरता के साथ कर, हर श्वास के साथ एक ओंकार ब्रह्म परमात्मा में पूर्ण प्रतिष्ठा, ब्रह्म के साथ एक रूपता, तादात्म्य तन्मयता। और जैसे जैसे हमारी यह ब्रह्मनिष्ठा, उस परम गुरु परमात्मा में प्रतिष्ठा सबल होती जाती है, जैसे जैसे हमारी समर्थ गुरु में निष्ठा सबल होती जाती है, वैसे वैसे जीवन में अपने आप दिव्यता घटित होती जाती है। लय के साथ अनुलोम विलोम, प्रथम अंगुली माथे पर, शीश तीन आंखों पर, प्रथम अंगुली को माथे पर रखते हुए शेष तीन अंगुलियों में से मध्यम से हल्का सा दबाव और आंख के नाक के मूल में, कान अंगूठे से बंद होंगे, मुख भी बंद, ओंकार का नाद होगा। आज्ञा चक्र से लेकर के पूरी सृष्टि चक्र में एक ही ब्रह्म की ज्योति का दर्शन, अनुभूति, प्रत्यक्ष। लंबा गहरा श्वास, ओंकार ब्रह्म परमात्मा के साथ पूरे एकाकार होकर के भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें बंद मन से, और आज या चक्र में ही मन को टिकाते हुए इसको धारणा कहते हैं। देश बंधस्य तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा लोक पूर्व उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का ज्ञा चक्र में ही दर्शन करते, एक दिव्य ज्योति, एक प्रकाश, एक तेज, ब्रह्म ज्योति का आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में अनुभव करना, कि एक ही ब्रह्म के सामर्थ्य का, भगवान के दिव्य ज्ञान, दिव्य संकल्प, दिव्य संवेदना, दिव्य कर्म, दिव्य पुरुषार्थ का परिणाम है संपूर्ण अस्तित्व। और इस पूरे अस्तित्व में भगवान का ही प्रत्यक्ष करना, भगवान को विश्वमय, और इस विश्वमय स्वरूप के पीछे भगवान का जो विश्वातीत दिव्य स्वरूप है, अनिर्वचनीय, यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास बुद्धिश्चन विशिष्टते तम आहु परमाम। उस ब्रह्म के साथ एकाकार होते हुए उद्गीत प्राणायाम करते।
मौन हो जाते हैं। प्राणों के साथ प्रणव ओंकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं। मौन हो करके पूरी नीरवता में प्रशांत चित्त होकर कंप्लीट साइलेंस पूर्ण मौन में श्वास लिया तब मन ही मनो, श्वास छोड़ा तब मन ही मनो। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ओंकार ब्रह्म के साथ एक रूपता, एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता, भगवान का ध्यान करते करते हम ब्रह्ममय हो जाए, शाश्वत के प्रतिनिधि बन जाए। गुरु का ध्यान करते करते हम गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रेम से, गुरु के सामर्थ्य से, गुरु के उत्तम गुण कर्म स्वभाव से, गुरु के जैसा जीवन जीने लग जाए, गुरु जैसे हमारे अभ्यास हो जाए, हमारे स्वभाव हो जाए। ऐसे गुरु के साथ एक आत्मता, परम गुरु परमात्मा के साथ एक आत्मता, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में लगाएंगे दोनों हाथों के गर्म गर्म ऊर्जा को ऐसे प्रतिदिन ईश्वर की आराधना, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए उस परम गुरु परमेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करना और क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ समर्थ गुरुओं के आश्रय से स्वयं को गुरुओं जैसा बनाना,